शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें छोड़कर गई क्यों थी गहना? कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम? कहाँ चली गई थी तुम? गौरव, हम जब यहाँ से गए तो सिर्फ इस जगह से गए, तुम्हें छोड़ के नहीं गए थे। तुम कोई हमें मारना चाहता था। जब हम यहाँ वापस आए तो हमें ऐसा लग रहा है कि उर्वशी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जब मैं यहाँ वापस आई तो हमने देखा कि तुम उर्वशी के वश में आ चुके हो। हमें माफ कर दो गहना, हम चाहकर भी तुम्हें पहचान नहीं पाए, बल्कि तुम्हारा एहसास हर बार हमें होता था। उर्वशी के वशीकरण ने हमें जकड़ा हुआ था। शायद हमें भी तुम्हारी तरह अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी थी, लेकिन अब हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे गौरव। हम तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे और इस दुनिया की कोई भी ताकत अब हमें अलग नहीं होने दे सकती। शायद ऐसा कभी नहीं होगा गहना। उर्वशी कल कल हमें मारने वाली है। हम नहीं चाहते कि वो तुम्हें भी मार दे। प्लीज यहां से चली जाओगे ना? नहीं गौरव, गौरव हम कहीं नहीं जाएंगे। गहना, हमारी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम जिंदा रहोगी तो तुम्हारा गौरव भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। तुम्हें हमारी कसम है गहना, प्लीज यहां से चली जाओ। और तुम्हें मेरी कसम है गौरव, चुप हो जाओ। गौरव हमारे प्यार पर भरोसा रखो। अगर हमारा भरोसा जिंदा रहेगा तो हमारा प्यार भी जिंदा रहेगा, और अगर हमारा प्यार जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे गौरव। हम मिलेंगे गौरव, हम जरूर मिलेंगे। और तुम देखना, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे गौरव। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है। माइला, बहरूपी है गौरव। ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आज रात को गहना के साइन इन पेपर्स पे होने चाहिए। वैसे तो ये प्रॉपर्टी का पेपर महेंद्र सिंह चौधरी के नाम पे है, लेकिन अगर ये चिपका हुआ नाम हटाएं तो ये प्रॉपर्टी मेरी है। आज रात जैसे ही गहना इन पे साइन करेगी, ये प्रॉपर्टी लीगली मेरी हो जाएगी। समझे तुम? उर्वशी ना गौरव को हमसे पकड़ के लेके आई है, उससे सारा खेल करा रही है। मुझे लगता है गहना से पेपर साइन करने के बाद ना वो असली गौरव को मार देगी। हमारा खेल खत्म। अरे भैया, तू बातें घुमा फिरा के डरा रहे हो मुझे। सीधे सीधे बोलो ना, इस हमशक्ल गौरव को उस गहना की साइन लेने से रोकना है। कुछ ज्यादा बढ़ के नहीं बोल रहा तू, मतलब तू सब समझ गया। रोक दे उसको, चुप चुप रुक रुक, ये फाइल दे। भैया
यहाँ क्या हो रहा है? हम आप ही का काम करने जा रहे थे, ये हमसे पेपर छीनने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो मेरे दो फूल जैसे भाई मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हैं। हटा दो इन्हें। रास्ते से हटा दो मतलब? रास्ते से हटा दो इन्हें, मार दो। नहीं 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 दीदी, दीदी मैं आपका छोटा भाई हूँ, थोड़ी तो दया करो दीदी। नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम हमको राखी बांधती हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मारने के लिए? गौरव, गौरव ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो इन्हें? अरे हम इन्हें मार नहीं रहे हैं, हम तो मस्ती मस्ती खेल रहे थे। हम इनसे अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगने आए थे। हमने इनसे कहा भी कि अगर ये चाहे तो हमें सजा दे सकते हैं। पहले इन्होंने हमें मारा और अब हम भी इनके साथ। तुम आओ ना अंदर, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। अरे तुम मुझसे कितना प्यार से बात कर रहे हो गौरव। माफी तो हमें तुमसे भी मांगनी चाहिए, हमने तुम्हारे साथ भी कितना बुरा बर्ताव किया। छोड़ो वो सब बातें गौरव, प्यार की बात हुई है ना, तो अब हम प्यार भरी बातें ही करेंगे। सॉरी, वो स्किन पे लाल चक्के से हो गए। तुम आओ ना अंदर, हमें कुछ बात करनी। सच में रोनी बच गए आज, वरना अकेला गौरव हम दोनों की जान ले लेता। हाँ भैया, गहना अगर सही टाइम पर नहीं आती तो हमारे पेटे पर तो हार चढ़ जाता। क्या गलती हमारी? हमने उर्वशी की कितनी मदद की और हमें क्या सिला मिला? गौरव के हाथों मरवाने चली थी वो हमें। हाँ भैया, बहन क्या होती है कोई गहना से सीखे। भैया सौतेली बहन होकर भी गहना ने आज सगी बहन वाला काम किया, और भैया भाइयों का फर्ज होता है बहनों की रक्षा करना, लेकिन आज हमारी अकेली बहन ने हम दोनों भाइयों की रक्षा की है भैया। और हमने क्या किया उसके साथ? वो हमें अपना समझती रही और हमने उसके साथ सौतेला व्यवहार किया। काश हमने उर्वशी की जगह गहना का साथ दिया होता। अगर हमने गहना का साथ नहीं दिया और उसे माफी तो मांग सकते हैं ना, हमें गहना से माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा तुमने? क्या कह रहे हो? गहना से माफी मांगोगे, इसका मतलब पता है? गहना का साथ देना, और गहना का साथ देना मतलब उर्वशी से दुश्मनी मोल लेना। तुम लोगों को उर्वशी की शक्ति के बारे में पता नहीं है क्या? अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, उर्वशी के दुम चल्ले बन जाओ, जिंदगी भर उसकी जी हुजूरी करो जैसे कि मैं कर रही हूँ। बस गहना के साथ देने के बारे में सोचना भी मत। पत्नी का काम होता है कि अगर पति गलत रास्ते पर चले तो उसे सही रास्ते पर लाना, और तुम कैसी पत्नी हो? अपने खुद के पति को गलत रास्ते पर चलने को कह रही हो? जिस उर्वशी ने तुम्हारे सुहाग की जान लेनी चाही, तुम उसकी जी हजूरी करने को कह रही हो मुझको? क्या उर्वशी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? हाँ भाभी, उर्वशी ने गौरव से कहकर हमें मारने की कोशिश की। गहना एक खरा सोना है जिसके होने से परिवार परिवार कहलाता है। क्या नजरें मिलाएंगे हम उससे, और उससे माफी मांग के हम अपनी नजरों में उठ तो सकते हैं? मैं कितनी बेवकूफ थी, उर्वशी के साथ मिलकर मैं गहना के लिए गड्ढा खोद रही थी, जबकि उसी ने मेरे पति और मेरे देवर की रक्षा की। हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। उस गहना के लिए हमारे दिल में जितनी इज्जत है ना, उतनी ही नफरत उस उर्वशी के लिए है। लेकिन गहना से माफी मांगने से पहले हमें एक और काम करना होगा। हमें अपने सारे गुनाह किसी के सामने कबूल करना होगा।
बुराई कितनी भी बड़ी उर्वशी, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। तुम भी एक दिन हारोगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाँ, वो जमाने खत्म हो गए गौरव, जब बुराई पे अच्छाई की जीत होती थी। अब बुराई हर जगह है। तुम एक जगह बुराई खत्म करोगे तो वो दूसरी जगह पैदा हो जाएगी। इसलिए बुराई कभी भी खत्म नहीं होगी, बस अपना रूप बदलती रहती। तभी तो रावण को बार बार जलाना पड़ता है गौरव। एक बार में अगर रावण नाम की बुराई खत्म हो जाती तो उसे बार बार जलाना क्यों पड़ता बताओ? तुम्हारी जान तो मैं कल पूर्णिमा की रात के बाद लूंगी, पर गहना की जान प्रॉपर्टीज के पेपर साइन होने के बाद। मैं तुम्हें मार के तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बहरूपिये में डालूंगी और उसके बाद गौरव को पाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। इसीलिए हार मान लो गौरव और खुद को मुझे सौंप दो। आसान मौत दे दूंगी तुम्हें। समय हमें तुम्हारी जान बचाने के लिए उर्वशी के सामने तुम्हें बेइज्जत करना पड़ा, और ना तुम्हारा गौरव कभी ऐसा कर सकता है तुम्हारे साथ। उस समय हम तुम्हें उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने के लिए कह रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा को वापस मिल जाए। क्या पता उससे वो फिर से ठीक हो जाए। मुझे पता है तुम कौन हो, बहरूपिये गौरव। तुम पिताजी के नाम पर मुझसे साइन ले रहे हो और प्रॉपर्टी उर्वशी के नाम पे कर रहे हो। गौरव, तुम नहीं जानते कि अभी तुम मुझसे जैसे बात कर रहे हो ये मुझे कितना अच्छा लगा। तुम चाहते थे कि मैं वो पेपर्स पर साइन कर दूँ ना? ठीक है, तुम मुझे वो पेपर्स दे दो, मैं कल सुबह ही तुम्हें वो साइन करके रिटर्न कर दूंगी। अच्छा, हम चलते हैं, हमें एक जरूरी काम है। पेपर्स तो मिल गए, अब बस गौरव को वहां से बाहर निकालना है। लेकिन उसके लिए मुझे दुर्गा माँ की जरूरत होगी। दुर्गा माँ। क्यों? माँ आप शांत हो जाइए। हमारी बेटी तो है ही वो नागिन जो अपने ही जहर से अपनों को डसती है। आज तक हमें लगा था कि हमारे परिवार को बर्बाद करने का कारण सिर्फ वो है, लेकिन हमारे परिवार को बर्बाद करने का कारण तुम सब हो, जो उसके हर एक पाप पे साथ देते रहे उसका। कहते हैं कि जो पाप करता है उससे बड़ा गुनहगार वो होता है जो उस पापी का साथ देता है। झूठ, काला जादू, वशीकरण, लोगों ने उसकी मदद करने के लिए किसकी जान भी ले ली? किसके लिए? किसके लिए किया तुम लोगों ने ये सब? पैसों के लिए? पैसों की लालच ने तुम लोगों को इतना अंधा कर दिया कि तुम लोगों ने अपना परिवार ही नहीं देखा। यही सिखाया था मैंने तुम्हें, यही संस्कार दिए थे तुम दोनों को कि अपने स्वार्थ में किसी की जान जाती है तो जाए। नहीं माँ, हमने किसी की जान नहीं ली माँ। लेकिन तुमने जान लेने वाले का साथ तो दिया ना। उर्वशी ने तो अपनी आत्मा तक बेच दी और तुम तीनों ने अपना जमीन। हे भगवान,
बड़ा नाज था हमें, हमारे परिवार पे, चौधरी खानदान पे, कितने इज्जतदार लोग हैं। यही बोल बोल के हमने हमने गहना को बहुत नीचा दिखाया, बार बार यही जताया कि चौधरी साहब से हमारा जायज रिश्ता है और तुम्हारा नाजायज, तुम्हारी माँ का भी नाजायज। हमारी जायज औलादे हैं ये हमारी जायज औलादे हैं और वो एक नाजायज औलाद। आज ये देख रही हूँ ये जायज औलादे हमारे घर को बर्बाद करने में तुले हुए और वो नाजायज औलाद होके हमारे घर को बचाने में लगी है। वो कोशिश किए जा रही है और बचाया भी, बहुत बार बचाया, हमने उसे अपना कभी नहीं माना, पर उसने हमें अपना माना। आज पहली बार जिंदगी में एहसास हो रहा है, काश मैं गहना की माँ होती। भगवान, गहना वो बेटी है जिसे जन्म देने से हमारे अगले पिछले जन्मों का सारा पाप मिट जाएगा। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, सारी गलती हमारी ही है। हम ही उर्वशी के बहकावे में आ गए और हमने इन दोनों को ये सब करने के लिए उकसाया। सारी गलती हमारी, मम्मी जी प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हम तो ये नालायक, लेकिन आप तो माँ है, हमें माफ कर दीजिए माँ, और आप ही हमें सही रास्ता दिखाइए अब। हाँ पापा, आप समझाइए ना माँ को, आप और माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सुधा, बच्चों को माफ कर दो, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, पछतावा इनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, माफी गलती की मिलती है और पाप का प्रायश्चित होता है, तो तुम्हारा प्रायश्चित यही है कि जिस तरह तुमने उर्वशी का साथ दिया था उससे ज्यादा साथ तुम गहना का दोगे। गहना ने हमारे परिवार को मिलाया है और तुम्हें उसका साथ देना है, तुम उसका सुहाग लौटाने में उसकी मदद करो, तभी तुम अपने पाप को धो पाओगे। हम साथ देंगे, हम सब साथ देंगे। हाँ मम्मी जी, उसने आपके, मेरे, हम दोनों के सुहाग को बचाया और अब हम सब मिलके उसके सुहाग को बचाएंगे, उसके गौरव को उर्वशी के चंगुल से छुड़ाकर उसके पास वापस लेकर आएंगे। दुर्गा माँ, हम गौरव को वहां से निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कैसे गौरव को वहां से निकालें। हम हैं ना बेटा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए, वरना हमें बचाने में गहना अपनी जान खतरे में डाल देगी। हमें कुछ भी करके यहां से बाहर निकलना होगा। जी से शुरू होते हैं वो लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं, जैसे जी से गहना और फिर वो नकली गौरव। उसे मैंने कहा था कि गहना के पेपर्स पे साइन करवाने, एक छोटा सा काम नहीं होता उससे। और एक तुम, असली गौरव। मैंने कहा था कि चुपचाप यहां पर बंधे रहो, वो काम भी तुमसे नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि तुम तीनों का करूं तो करूं क्या। मेरी बात सुनो, वो पेपर्स तुम्हें गहना से साइन करवा के ही रहूंगी, समझे तुम।
वो पेपर तुम्हें लाकर रहूंगी। हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तुमने एक बार भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा। उल्टा उस बहरूपी से तुमने हमारी जान बचाई। आ गया ना, तुमने घर खरीदा था और फिर भी हमें यहाँ रहने दिया। बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और अब इसका एक ही प्रायश्चित है कि तुम्हारे हर काम में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे भी माफ कर दो गहना, उर्वशी के बहकावे में आके मैंने न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या गलत किया, लेकिन तुमने हमारे सुहाग को बचाया है तो अब तुम्हारे सुहाग को बचाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इससे पहले कि वो उर्वशी गौरव के साथ कुछ गलत करें, हम गौरव को वहां से हटा लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू मत कहो बेटा, थैंक यू कहने से हम सबको पराए कर दे रहे हो। अब हम एक परिवार है और हमेशा साथ रहेंगे। ये परिवार अभी अधूरा है, हमारा परिवार पूरा तब होगा सुधामा, जब हमारा गौरव हमारे साथ होगा। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। बंद करो ये पूजा। कहना, जाओ जाके अपने गौरव को बचा लो, जाओ। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।